अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मैं मोइन खान बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा का निवासी हूँ, रहने वाला। मेरा वहाँ पे छोटा मोटा कारोबार है। हम लोग पिछले महीने अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल को हम लोग दतिया के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन होने की वजह से। फिर हमारी उसके बाद में हमारा लॉकडाउन के जाँच हमारी जाँच हुई, हम लोग कोरोना नेगेटिव हैं। दो जाँचों के अंदर ये बात आई सामने, उसकी वजह से फिर यहाँ पर 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में वहाँ के SDM साहब ने संज्ञान लेकर और हम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की, और हम लोगों को वहाँ से रिलीज़ करा। हमारे पास पूरे कागजात, अपने परमिशन हैं, और वहाँ के CMHO साहब हॉस्पिटल के हमारे पास कागजात है जिसके अंदर हम कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेकिन ये सारे कागजात और परमिशन होने की वजह से हम अपनी गाड़ी लेके जब समाज के लोगों ने हमें रवाना करा वहाँ से दतिया से, और यहाँ पर भेजा बांसवाड़ा कि आप लोग अपने घर गाँव पर बांसवाड़ा चले जाएं। लेकिन बांसवाड़ा आने से पहले बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया और हमें ये कह के कि भाई आप कोरोना संक्रमित हैं, और वहाँ से अंदर नहीं दाखिल होने दिया हम लोगों को बॉर्डर के अंदर, और वापस कर दिया गया कि जहाँ से आप लोग जहाँ से आए हैं आप लोग वापस वहाँ चले जाएं। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ से थक हार के पहुँचे तो आगे चल के बड़ौद पुलिस ने हमें रोक लिया और ये कहा कि भाई आप लोगों को आगे परमिशन नहीं, क्योंकि आपके पास जहाँ की परमिशन है आप वहीं जाएंगे, ये कह के हमें वापस वहाँ से भी वापस कर दिया। तो हम ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। रात हो चुकी थी, रोज़ा था हम लोगों का। हमने रास्ते में सड़क पर इफ्तार करके, और मेरे साथ मेरी मिसेज अकेली, मैं अकेला मर्द हूँ, मुझे इनकी इज्जत का भी खतरा होता है, तो मैंने फिर इनको लेके पास के गाँव के अंदर रिक्वेस्ट करके जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चौमेला 20 किलोमीटर पड़ता है आलोट से अंदर की तरफ, तो वहाँ पर हम लोग रात को आए थे। तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि ठीक है, हम जांच करके आपका कुछ क्वारंटाइन वगैरह कर देंगे, तो आपने रुक जाना। हम उसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जब उनको ये चीज़ें सामने आई कि भाई हम लोगों को बांसवाड़ा वाले तैयार नहीं रखने के लिए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया हमारे। बहरहाल इतना एहसान करा कि रात को यहाँ पर ये स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर, इस कमरे के अंदर हम लोगों को रखा है रात से। लेकिन ये कहा है कि भाई सुबह आप लोग अपने जिस तरह से हैं अपने घर के, जहाँ पर भी आप जाना चाहें चले जाएं। भाई वो चले जाते हैं पैदल भी, लेकिन खतरा इस बात का है कि पास में ग्रामीण लोगों के अंदर व्हाट्सएप को भी मैसेज वायरल हो चुका है, ये लोग कोरोना पॉजिटिव है, इस तरह से बस्तियों में दाखिल नहीं कर दिया। तो हम लोगों को रात को भी गाड़ी के पीछे लठ लेकर लोग भागे हैं, गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी है, तो हमारी जान का खतरा है। तो अल्लाह के वास्ते अगर ये बात आप तक पहुँच रही है तो दूसरों तक, मुसलमानों तक पहुँचा, अल्लाह करे कि हमारी मदद करे। और बांसवाड़ा प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, बच्चे हमारे वहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम आप लोग हमें वहाँ ले लें ताकि हम वहाँ पे अपने बच्चों के सामने मर सके। हमें बच्चे बस देखने देना, हमारे बच्चे एक महीने डेढ़ महीने दूर है उससे, हमारी मदद करो, हमें जाने की इजाजत दिला दो, आपकी मेहरबानी हो जाएगी हमें यहाँ से निकाल के। तो ये देखो, जितना आपसे अल्लाह तौफीक दे, रमजान का महीना है, जितना आप लोग हो सके इस वीडियो को आगे वायरल करने की कोशिश करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, किसी की मदद करना अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब है, आप लोग हमारी फिलहाल मदद फरमाएं। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।